नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति। स्वागत है मेरी चैनल ज्योति दास वर्ल्ड में। मैं हूँ ज्योति। तो आज मैंने बना है मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी। ये हेल्दी भी होते हैं और खाने में बहुत स्वादिष्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने आलू, गाजर, मूली, कद्दू, बीन्स, बैंगन, फूलगोभी, सारी सब्जियों को काट कर धो के रख लिया है। तो साथ ही में ये 5 फोरन सूखे लाल मिर्च, तेज़पत्ता, तो यहाँ पर है ये कुटी हुई अदरक और हरी मिर्चा। तो कढ़ाई में हम डालेंगे अब सरसों का तेल गर्म होने के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। और जो ऑलरेडी मेरे फैन हैं उन लोगों को थैंक यू सो मच। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट भी कीजिए। तो तेल गर्म होते ही मैंने इसमें सूखे लाल मिर्च 5 फोरन तेज़पत्ता को ऐड कर दिया है। और हम इसमें कूटी हुई अदरक और हरी मिर्चा को भी ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम एक बार चला लेते हैं। और इसके बाद हम जो जितने भी हमने सब्जियां काट के रखे थे इन सारी सब्जी को हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसे चला लेते हैं अच्छे से। अब हम इसे ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट तक गैस के फ्लेम को मीडियम आंच पर रखते हुए कुक करेंगे। तो 3 से 4 मिनट कुक होने के बाद हमने ढक्कन खोल लिया है। अब इसे फिर से हम चला लेंगे एक बार। और इसके बाद हम फिर से इसे 3 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर कुक करेंगे। तो 3 मिनट होने के बाद फिर से ढक्कन खोल देते हैं और फिर से हम इसे एक बार चला लेंगे अच्छे से। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी का पाउडर, नमक अपने स्वाद के हिसाब से ऐड कीजिए, और 1 छोटी चम्मच मैंने इसमें चीनी ऐड किया है, और साथ ही में 1 चम्मच जीरा पाउडर। सारी चीज़ों को सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। और पानी के साथ ऐड करने के बाद हम इसे चला लेते हैं। और इसके बाद हम इसे ढक्कन लगाकर 1 मिनट तक कुक होने के लिए रखते हैं। तो 1 मिनट ढक्कन लगाकर कुक करने के लिए दिया था। आप 1 मिनट हो चुके हैं तो ढक्कन खोल कर फिर से हम इसे चला लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। तो पानी मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1/2 कप। बड़े कप जो होते हैं उसी कप के मैंने 1/2 कप पानी इसमें ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद इसे हम फिर से एक बार चला लेंगे और हम इसे ढक्कन लगाकर फिर से 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। तो 3 से 4 मिनट कुक होने के बाद ढक्कन खोल देते हैं। तो जो पानी हमने ऐड किया है वो पानी से ये जो सब्जियां हैं वह अच्छे से पक चुका है और पानी भी सूख चुका है। तो आप देख सकते हैं, अब सब्जियों को चेक कर लेते हैं कि सब्जी अच्छे से पक है कि नहीं। तो सारी सब्जी अच्छे से पक चुकी है। तो तैयार है मिक्स वेजिटेबल की सब्जी।